मैं नमन करना चाहती हूँ और साथ में जो मेरी यहाँ बैठी हुई माता बहने उनको सबसे पहले नमन करूंगी। उसके साथ साथ जो इस तरफ और पीछे सामने इस तरफ मेरे जालौर क्षेत्र के सब महानुभाव बैठे हैं, भाइयों उनको सबको मैं नमन करना चाहूंगी। मेरे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सब नेतागण, कार्यकर्ता बंधु, उन लोगों को भी और आप सब इधर उधर सब बैठे हुए भाजपा के कार्यकर्ता, उन सबको भी बहुत बहुत नमन। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जालौर के अंदर इतनी जोर शोर से हम लोग सबका यहाँ स्वागत किया। आज दिन भर यहाँ कार्यकर्ता सब बैठे हुए हैं, आज दिन भर गांव गांव के अंदर सब लोगों से मिलने का एक मौका मिला। सब लोग, माताएं बहने सब लोग, उनके साथ साथ हमारे बुजुर्ग और भाई भी रास्ते पे आए और अपनी बात हमको सुनाई और बात उनके सुनने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। और मैं वहां से जब चल के आई हूँ तो मेरे ध्यान में आया कि ये जो गुलाब जी अभी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि 65 वर्ष निकल गए। हम लोगों ने 53 साल राजस्थान के अंदर कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस की सरकार को दिया है, और उसके बावजूद भी जिन जिन प्रदेशों के अंदर 15-15 साल के अंदर काया पलट हो गया है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, इधर तो वो देखने को मिलता है। और यहाँ 53 साल के बाद हमारी वो स्थिति है, न पीने को पानी है, न कहीं बिजली है, न सिंचाई का पानी है, न सही तरीके से महिलाओं की इज्जत है, न कहीं रोजगार है, न कहीं डॉक्टर है, न कहीं टीचर है, कोई काम नहीं हुआ ये 4.5 साल के अंदर। बार बार मैं पूछ रही हूँ, बार बार मेरे को वही जवाब मिल रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, शहर में पेयजल की कितनी जोरदार समस्या है आप लोग सब जानते हो। पानी 10-10 दिन के अंदर आप लोगों को सप्लाई होता है, क्या ये सही है? 10-10 दिन के अंदर, मैं छोटी बात नहीं कह रही हूँ यहाँ, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 10 दिन के बाद आप लोगों को पानी का सप्लाई होता है। ये कोई प्रदेश के अंदर होता है क्या? आप जाते हो गुजरात के पास में लगा हुआ है, आधे से ज्यादा लोग वहां जाते हैं। आपके डॉक्टर क्योंकि यहाँ नहीं है इसलिए आप अपने दवाई वगैरह के लिए वहां जाते हो, ऑपरेशन का ही होता है, कोई सीरियस मामला होता है तो माता बहने आप लोग सब वहां जाते हो। और आपने गुजरात के अंदर देखा है कि प्रदेश चलता है तो कैसे चलता है। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिर जब यहाँ वापस आते हो तो रोना आता है कि नहीं आता है? आपको लगता है कि हम कहाँ आप वापस आ गए? ये गुजरात लगा हुआ है, ये राजस्थान साथ लगा हुआ है और हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, रोना आता है कि वो आगे बढ़ सके और हम क्यों नहीं बढ़ सके। हम भी होना लोग, हम लोगों के हाथ में भी ताकत है, हमारे में भी पैसे की कमी नहीं है, हम भी ये सब काम कर सकते हैं। परंतु आज हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो हमारे तरफ देखती नहीं है, हमारे बारे में सोचती नहीं है, हमारा काम पूछती नहीं है, हमारा काम करती नहीं है। और ऐसी सरकार के साथ क्योंकि हमको रहना पड़ता है, आज इसलिए हमारे क्षेत्र की यह स्थिति हो गई है। कितने दुख की बात है। अभी मैं याद है मुझे कि आप लोग पहली दफा मैं जब जालौर वगैरह आई थी तो आप लोगों ने मेरे से मीटिंग्स में कहा था कि नर्मदा का पानी, इतने साल से लोग बात करते हैं कि नर्मदा का पानी आएगा आएगा, आप हमको ये वादा करो कि नर्मदा का पानी आप गुजरात से हमारे तक पहुंचाओ। मुझे कब कुछ नहीं मालूम था, मुझे मालूम है कि हम कितने चूचे और जूझ जूझ के हमने पूरे पैसे भी दिए, ऐसा नहीं कि फ्री में लिया है, हमने राजस्थान के पैसे दिए और पैसे दे के 3 साल से जूझने के बाद हमको पानी राजस्थान के इस क्षेत्र के अंदर मिला। मुझे याद है कि जिस दिन पानी आया था कितना बड़ा जश्न अपने बनाया, पर ये आसानी से नहीं आया क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार आराम से कर सकती थी, क्यों नहीं किया? नहीं किया उन्होंने क्योंकि उनका मन नहीं था हम लोगों को खाली। और फिर बाद में कहने का, अरे भाई नरेंद्र भाई थे, अरे नरेंद्र भाई थे तो राजस्थान की जनता को पीने के पानी की जरूरत होती और कोई सरकार नरेंद्र भाई को कहता तो मैं विश्वास करती हूँ कि वो तुरंत ही कहते कि उन राजस्थान के भाइयों को पानी पिलाने की जरूरत है, आप हमारा पेमेंट जिस तरीके से वो कर दीजिए, गुजरात वालों को उनका पैसा मिल जाएगा और राजस्थान वालों को उनका पानी मिल जाएगा, हम तुरंत ही उसका काम करा के आप तक भेजेंगे। परंतु उनसे पूछने वाला, पता करने वाला या पानी लाने वाला कोई नहीं था। 3 साल के अंदर हम लोगों ने इस बात को करके छोड़ दिया और सब लोगों को पानी ला के दे भी दिया।
और मैं जहां जहां मैंने पाइपलाइन बिछाई थी, क्योंकि सबसे बात की थी, सबसे बात की थी और कहां कहां तक पानी पहुंचाना है ये भी बात आप लोगों से हो चुकी थी। हम लोगों ने तय कर लिया जहां जहां हमको अपने पाइपलाइन बिछाने थे वो पाइपलाइन भी बिछा दिए। और कितनी दुख की बात है कि 2008 के बाद अगर वो पाइपलाइन में पानी डलवा देते और क्षेत्र के अंदर पहुंचा देते तो आज कितने सारे लोगों को पीने का पानी मिलता भाइयों। परंतु 2008 में वहीं के वहीं छोड़ दिया, जहां था वहां छोड़ दिया। अब मैं अभी गांव में से निकली तो मैं जब गांव में गई तो मैंने आदमियों से पूछा कि आप लोगों को क्या कार्य की जरूरत है। मैंने कहा यहाँ टीचर नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं है और दूसरी बातों की। उन्होंने कहा हमसे कोई बात मत करो, हमें आपको कुछ नहीं सुनना है, आप हमारी बस कोई भी हालात मत पूछो, बस पानी पहुंचा दो। एक गांव के अंदर वो आठ बोतल लेके ले खारा पानी पी के देखो। मैंने कहा वाह मेरे पे उतार रहे हो, कोई सुनने वाला तो है नहीं, लाओ तुम्हारी बोतल। मैंने बोतल खोली, पानी पिया खारा से खारा। तो मुझे मालूम है कि उनके दिल में क्या गुजर रही है, इतने दिन से बेचारे वो खारा पीना पानी पीते चले आ रहे हैं। मैंने पी के उनके दिल की तसल्ली कर दी कि हाँ उसने भी पिया तो उसको भी मालूम है कि यहाँ कैसा खारा पानी आता है, परंतु मेरे पीने से तो नहीं होगा। क्या कर रही थी ये सरकार, मैंने सब काम करके रख दिया था, पैसे भी रख दिए थे, पाइपलाइन भी लगा दी थी, खाली चलाने की जरूरत थी, क्या ये भी काम नहीं कर सके। और भाइयों और बहनों मैं तो आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जब आपने मुझे सरकार सौंपी थी तो ऐसे वक्त में बिल्कुल बीमारू प्रदेश था ये राजस्थान। आपको याद है कि खजाना खाली खजाना खाली खजाना खाली का रथ लगा हुआ था। सब लोग ये जानते थे कि हमारा ये काम नहीं हो सकता क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमारा खजाना खाली है। खजाना खाली नहीं था, इच्छा शक्ति की कमी थी। आपने वही सरकार हमको दी, वही प्रदेश हमको दिया, खाली खजाना आपने हमको दिया, परंतु हमने उस खाली खजाने में से पैसा पैदा करके आप लोगों को कभी कमी होने दी क्या? आपने मांगा नर्मदा का पानी, 400 करोड़ रुपए कहां से आ गए? आपने कहा हमको पानी चाहिए, पाइपलाइन डलवाइए, पाइपलाइन डलवाई, वो कहां से आ गया पैसा? पर आया जवाई बांध की मरम्मत और उनके क्या कहते वितरका की मरम्मत करने का काम हुआ, पैसा आया तो कहां से आया? इच्छा शक्ति का सवाल है। सब सरकारों के पास पैसा नहीं है ये कोई कह नहीं सकता, कैसे लाना है उसके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति लगाने की जरूरत। और मैंने सब लोगों को ये कह दिया था जाते जाते, माताएं बहने आप सबको मालूम है कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में एक सिंगल फेज बिजली की लाइन आप लोगों को घर में लाके देने का काम हमने किया। जाने से पहले मैंने खुद सरपंचों को फोन किया और फोन करके पता किया कि सरपंच साहब बताओ आप लोगों के गांव में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इनके ऊपर भरोसा नहीं करती। मैंने अपने लगातार रैंडम चेक करवाए और चेक करवाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि हमारे क्षेत्र के अंदर 18 से 20 घंटे बिजली हम लोगों ने दी। अगर सरकार हमारी रह जाती तो 6 महीने के अंदर माता बहने मैंने वादा किया था कि आप लोगों को वो सिंगल फेज बिजली के 24 घंटे बिजली मिलना था। पर अब मैं आपको कह रही हूँ कि समय निकल गया, 5 साल उसमें से 4.5 साल निकल गए, वो नहीं कर पाए। इतना आसान काम था वो भी नहीं करने का मन नहीं था। मैं आपको आज वादा करती हूँ कि सरकार आएगी 24 घंटा वो सिंगल फेज की लाइन की बिजली आपको घर के अंदर मिलेगी। ये मेरी माता और बहनों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। मैं आपके लिए काम करना था। आज आप पेंशन की बात करते हैं, अरे माता बहने मेरे भाइयों ये पेंशन 4.5 साल पहले से ही आप लोगों को मिलना चाहिए था। आज 4 महीने बच गए इलेक्शन के लिए तो एकदम से याद आ रहा है कि जनता क्या चाहती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ 2008 के अंदर भामाशाह की योजना मैंने आपके सामने लाई थी, महिलाओं के द्वारा भामाशाह योजना चलने वाली थी। हमने बैंक अकाउंट महिलाओं के द्वारा खोलने का काम और उनको प्रोत्साहित करने के लिए 1500 रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर डालने का काम चालू कर दिया था। जो बैंक हमारे साथ काम कर रहा था आज भी उनके पास हमारे 200 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। ये तो सरकार ने वापस किया भी नहीं है, वो 200 करोड़ रुपए वहां पड़े। 800 करोड़ की स्कीम थी और हमने सबको कह दिया था कि महिला को कार्ड मिलेगा और उस कार्ड के ऊपर 30,000 रुपए का बीमा, अपनी बीमा सुरक्षा बीमा का भी हम उसके अंदर डालने वाले थे। और मैंने ये कहा था कि एससी एसटी बीपीएल लघु सीमांत कृषक इन सब के लिए ये स्कीम चलेगी। 50 लाख परिवार को
ये पैसा मिलने वाला है, ये बैंक अकाउंट अपन खोलेंगे, इसके अंदर से हम लोग पेंशन वगैरह सब लोगों को देंगे। अगर तब आप लोगों ने कर दिया होता तो 4.5 साल आज तक आप सबको पेंशन मिलता होता। ये इस तरीके से सौगातें नहीं बढ़ती, ये किसी के ऊपर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे भाइयों, ये आपका पैसा है जिसको ये संभाल रहे हैं। इन लोगों को सही समय पे सही टाइम पे आप लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम करना चाहिए था। मैं ये पूछ रही हूँ कि 4.5 साल तक आप लोगों को पैसा क्यों नहीं पहुंचाया, ये माता बहनों को क्यों नहीं पहुंचाया? आज बड़ा ढिंढोरा पीट के कह रहे हो कि हम पेंशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम आपको पहले देना चाहिए था। आप कहते हो कि आपके यहाँ मनरेगा का काम, बताओ भाइयों किसी का मनरेगा का काम इस क्षेत्र के अंदर हो रहा है? हो रहा है कि मनरेगा? मेरे को तुझे बताया मनरेगा का काम कहीं नहीं हो रहा है इलाके के अंदर। हमारे समय में 26 लाख लोगों को नरेगा का काम हमने करवाया था, और मैं कहती हूँ कि वो हमारे सरकार के अंदर हमारे पार्टनर थे। क्यों? क्योंकि 26 लाख लोगों ने जो परिसंपत्तियां बनाई राजस्थान की, उसकी वजह से राजस्थान विकास में आगे बढ़ा। ये हम अकेले ने नहीं किया था, वो 26 लाख लोगों ने काम किया, वो काम की वजह से राजस्थान आगे बढ़ा, और उनका पेमेंट समय पे दिया। आज उनको पेमेंट समय पे नहीं मिलता है, और जिन जिन महिलाओं ने 100 दिन काम किया उन महिलाओं को अपने लास्ट 2 साल के अंदर जब हमने घोषणा की थी तो उनको साड़ियों का भी इंतजाम, उनको लुगड़ी का भी इंतजाम हमने करने का काम किया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, एकदम से याद आ गया, वो स्कीम तो आपने बंद कर दी थी, परंतु चुनाव आ गया। अब चुनाव के टाइम में आपने कह दिया कि भैया महिलाओं को लुगड़ी देनी है। अब काम तो आप 1 लाख लोगों को दे रहे हो, वो भी सही समय पे नहीं दे रहे हो, किन्हीं लोगों को पैसा नहीं दे रहे हो, किन्हीं लोगों का 100 दिन की नौकरी नहीं दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि लुगड़ी ले जाओ। अरे लुगड़ी ले जाओ, नहीं मिलेगी लुगड़ी तो पैसा ले जाओ। अरे चावल नहीं है तो चावल की जगह में पैसा ले जाओ। अगर आपको लैपटॉप देना है, लैपटॉप नहीं है तो पैसे ले जाओ। और उसके बाद अरे माता बहने तुम तो लुगड़ी ले जा रहे हो, पर तुम्हारे बच्चे अगर हैं तो तुम उनके लिए 2 जोड़ कुर्ता पजामा भी ले जाओ, और फिर और कुछ नहीं तो तुमको घर के लिए थाली और 2 कटोरी वो भी ले जाओ। अरे घर ही जमा लो, पूरा घर ही जमा के रख लो, क्योंकि हमें तो तुम्हारे वोट का जरूरत है। आपकी गरीबी के ऊपर कांग्रेस जिंदा रही है, और आज हमको ये कह रहे हैं एनसी सक्सेना साहब दिल्ली से कि 70% हिंदुस्तान के लोग गरीबी के चक्कर में डूबे हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 7 साल चलाने वाली सरकार ये कांग्रेस पार्टी आज के दिन भी गरीबों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाई, तो ये आम आदमी और गरीबी और क्या 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 उनका नारा लगता है, वो नारा देने से कुछ होता नहीं है भाइयों, काम करने से होता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने बार ये जाते हैं, और जाते हैं काम करने के लिए तो अपना काम करके आते हैं। भू माफिया, पानी माफिया, माफिया के तो 1000 नाम है, आप वो सब माफिया के साथ चलो। मैं अभी बाड़मेर से आ रही हूँ, क्या माफिया का काम किया है? ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख का नहीं है भाइयों, हजारों करोड़ों का खाया है, जोरदार भ्रष्टाचार किया है। और फिर आके कहते हैं कि ये वसुंधरा राजे भ्रष्टाचार की बात कर रही है, मेरे को तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे काय का मुखिया, कहते आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हो, क्या आप सबको नहीं मालूम कि रॉबर्ट वाड्रा जिसका नाम है और जो इस देश का दामाद माना जाता है, वो रॉबर्ट वाड्रा ने कहां कहां जमीन खरीदी है, वो तो गरीब से गरीब आदमी को मालूम है। और हमारा मुखिया कहता है कि मैंने तो पढ़ा नहीं, मेरे को तो कोई जानकारी नहीं। अरे सोनिया गांधी का दामाद यहाँ आ जाए और यहाँ के मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं, ऐसा हो भी सकता है? नहीं समझाओ मेरे को, पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, तबादले से लेके ऊपर तक पैसे खाए जा रहे हैं, और ये रोज रोज का काम है। अरे आप यहाँ बैठे हुए हो किसान भाइयों, अगर आपका ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो 72 घंटे के अंदर मैं आप लोगों को वापस दिलवाया करती थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज 72 घंटे में आपको ट्रांसफॉर्मर बिना रिश्वत से मिलता है क्या? वो 72 घंटे में तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो 1-1.5 महीने के अंदर, और वो भी जब आप रिश्वत दे के आओ तब तो आपको मिलेगा। बताओ मेरे को कि कितने सारे लोग पड़े हुए एक साइड में पड़े हुए हैं जिन्होंने डिमांड नोट वगैरह सब बात दिया है, पर उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं दिया जा रहा है गरीबों को? मैंने 2008 तक सब कनेक्शन जितने देने थे वो सबको दे दिए थे।
अब उस दिन से लेके आज तक कनेक्शन पेंडिंग हो रहा है। पेंडिंग होने की जरूरत नहीं है, ये बिजली का इंतजाम हम लोगों ने कर दिया था और बिजली सही तरीके से आप लोगों को मिलनी चाहिए, परंतु ये नहीं कर सकते कोई भी काम, इसलिए न पानी न बिजली न आपके यहाँ डॉक्टर में पता कर रही थी तो 23 डॉक्टर के पद है, उसकी जगह में सिर्फ 12 डॉक्टर काम कर रहे हैं और वो भी मुझे लगता है कमी होंगे, इससे भी कमी होगा, मेरे शायद नंबर भी सही नहीं है। स्त्री रोग का विशेषज्ञ है माता, मैंने पूरे राजस्थान में मैंने दौरा कर लिया, एक जगह को छोड़ के कहीं भी स्त्री रोग विशेषज्ञ मुझे नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं कहां चले गए सबके सब, परंतु मेरे को नहीं मिले, हॉस्पिटल्स में नहीं मिले, और जगह जगह में महिलाओं की यही बात थी कि हमें गुजरात जाना पड़ेगा, आप लोग ये कहते हो हमें गुजरात जाना पड़ेगा, यहाँ हमारी मुसीबत, हमको तो यहाँ डॉक्टर नहीं। इसी तरीके से आपको सरकारी स्कूल के अध्यापकों की कितनी कमी है आप लोग सब जानते हो, 5 के स्थान पे 2 है और 10 के स्थान पे 3 है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरह से खराब हो रहा है क्योंकि वहां कोई पढ़ाने वाला नहीं है, विषय के टीचर्स नहीं है, और मुझे ये समझ में नहीं आता, अभी घोषणा की है 50,000 टीचर को हम टीचर बनाएंगे, युवाओं को हम टीचर बनाएंगे, अरे भाइयों ये होना नहीं है, हम भी जानते हैं आप लोग भी सब जानते हो, अगर 50,000 टीचर को करना था तो अभी तक क्यों नहीं कर लिया। और मैं सब अपने भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि हमने अपने टाइम में रोजगार दिया तो 10,00,000 रोजगार दिया 5 साल के अंदर, उसमें आप लोग बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां मिली, और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज टेट की वजह से आप सबको बांधने की कोशिश हो रही है कि टेट हो जाएगा तो ये नौकरी नहीं कर पाएंगे, मैं आपको सबको कर रही हूँ कि टेट का प्रबंधन अपन करेंगे और आरपीएससी के द्वारा जैसे पहले अपन लोगों ने रोजगार देने का काम किया था वो हमारे बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो 3 काम मैं बता रही हूँ, नर्मदा का पानी जहां रुका था उसको आगे ले जाने का काम वो होगा, जो महिलाओं की बिजली उनको समय पे और अच्छी तरह से मिलेगी, और जो रोजगार हमारे बच्चों को देना है वो रोजगार का काम हम करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पलायन करके गुजरात चले जाएं और गुजरात के अंदर उनकी नौकरी हो, वो यहाँ हो, हमारा व्यवसाय यहाँ हो, हमारी छोटी फैक्ट्री यहाँ लगे और हमारे बच्चों को यहाँ नौकरी मिले, उनको किसी और प्रदेश के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसा जब होता है तो उस प्रदेश की नाक और उसकी इज्जत कटती है, उसका स्वाभिमान मिट्टी में मिल जाता है। हमें अपने प्रदेश को फिर से बनाना है, हमें अपने प्रदेश को अपने पैर पे खड़ा करना है, और ये हम जात जात में अलग होके या मजहब में पटके नहीं कर सकते भाइयों। यहाँ कोई भी जात हो, अगर पानी मिलता है तो सब जातियों को मिलता है, रोड है तो सब जातियों के लिए है, बिजली है तो सब जातियों के लिए है, हमको झगड़े में फंसा के इस कांग्रेस ने आज तक राज किया है। और मैं भाइयों आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि समाज की बात तो अपने समाज में रहेंगी, और जब राजनीति की बात आती है तो हम सबका भला सोच के, क्योंकि ये सबके भले में अपना भला है, इसको सोच के हम आगे काम बढ़ाएंगे तभी काम कुछ होगा। आज राजस्थान सबसे पिछड़ा क्यों है, इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसे ही मजा लिया है, अब ये मजा लेने का टाइम नहीं है और इनको देने नहीं देंगे, समझदारी के साथ अपने को काम करना है। मैंने इनसे पूछा कि आपको पिछले 5 साल ठीक थे कि नहीं, अरे साहब बहुत अच्छा काम हुआ, देखा इस 5 साल के अंदर, अरे साहब कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा जब इतना अच्छा काम हुआ, इतने मुश्किल से गड्ढे से निकाल के आपको पैर पे खड़ा किया और आपको मजबूत करने का सब समय आ गया, तो ऐसे वक्त में फिर पीछे चले गए, अब वो जो स्थिति बना के रखी है इन लोगों ने पैसों की, और आपकी स्थिति इतनी विकट बना के रखी है कि हमारा प्रदेश 10 साल पीछे हो गया, 10 साल पीछे हो गया है, और किसी के हाथ में जादू का डंडा नहीं है, और मैंने सबको यह कह दिया कि मैं वोटों के लिए झूठ नहीं बोलती हूं, मैं सबको कह दिया कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो 10 साल को फिर से लाना पड़ेगा, उसको फिर से ठीक करना पड़ेगा, और उसको फिर से साथ में सब लोगों को लेके और हम लोगों को ये नया राजस्थान बनाना पड़ेगा, ये पुराना राजस्थान तो बिल्कुल ही खत्म हो गया भाइयों। पर इन सब चीजों के लिए हिम्मत की जरूरत है, मुझे तो उसलिए दुख हुआ और रोना आया, मेरे लिए नहीं, मेरी पार्टी के लिए भी नहीं, परंतु मेरे राजस्थान पे मुझे रोना आया कि हम उस स्थिति पे आ गए थे कि राजस्थान आगे बढ़ सकता था और हमने उसको धक्का देके फिर पीछे जाने का निर्णय लिया। आज फिर जब मेरी तरफ लोग कहते हैं और मैं कहती हूँ कि कितना मुश्किल काम है, तो मेरे को कहते हैं अरे आपके लिए तो क्या मुश्किल, आप कर लोगे। मैंने कहा देखो ऐसा है, मुश्किल तो है ही, और ये काम जो मुश्किल है मेरे लिए, अकेले के लिए तो मुश्किल है, और मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ अगर वाकई में आप लोग जुड़ जाते हो तो हो सकता है कि समय लगेगा,
परंतु हम लोग मिलकर उसको ठीक कर सकते हैं। पर इसकी ताकत आप में है, ये जादू आप में है, ये मेरे में नहीं है। हम तो आगे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, परंतु जो जादू है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो आप लोगों के हाथों में है। तो आपको तय करना है कि हमें ये नया राजस्थान चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको तय करना है कि हमको अपने किसानों को अपने पैर पे खड़ा करना है कि नहीं करना है। आज हमारा किसान ना पानी है, ना बिजली है, ना आपको किसी भी किस्म का, आप खाद देखिए, बीज देखिए, जाते हो ना बीज लेने के लिए तो नकली बीज मिलता है, खाद लेने को जाते हो समय पे नहीं मिलता है। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि कितना महंगा हो गया, क्या खाद मेरे समय में था और आज क्या खाद, सब चीज महंगा हो गया है। परंतु किसान को, जैसे गुलाब जी ने सही कहा, फसल के सही दाम नहीं मिल रहे, बस वही है जिसके दाम नहीं बढ़े। अब वो किसान, उनका क्या होगा? हम चाहते हैं कि हमारे जैसा नया राजस्थान मिले जिसके अंदर किसान मजबूती के साथ अपने प्रदेश के अंदर खड़ा हो सके। क्या ये बहुत छोटी सी बात है? क्या हम अपने किसानों के लिए नहीं कर सकते? हमारे पूरे प्रदेश को खिलाने वाले वो लोग, हमारे अन्नदाता वो लोग, और हम उनको पैर पर नहीं खड़ा कर पा रहे। हमारी महिलाओं की हालत देख लीजिए, माताएं बहने रोज तो आपके साथ अत्याचार हो रहे हैं। जब हमारी बच्ची स्कूल जाती है तो कैसा दिल धड़कता है कि वापस आती कि नहीं आती, कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। जयपुर के अंदर बच्चियों के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हुआ है, नाक के नीचे सबके, वो आपने देखा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे प्रदेश में हमको नहीं रहना। जब हमारी महिला की इज्जत नहीं रख पाते, वो मुखिया को तो चुल्लू भर पानी के अंदर डूब जाना चाहिए, क्योंकि उनको हमारे प्रदेश को आगे नहीं चला सकते। ये तो महिला की हालत है। हमारे बच्चों के रोजगार के लिए रोज रोज कोई नई बात, आज करेंगे कल करेंगे, कुछ नहीं किया है। हमारे बच्चों को अपने पैर पे खड़ा होना है, उसकी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी है। और हमारे यहाँ व्यवसाय लगने हैं, फैक्ट्रियां लगनी है, काम को मिलना है। ऐसी स्थिति बनेगी तो नया राजस्थान बनेगा भाइयों। और उस नए राजस्थान को बनाने के लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। हम सब मेहनत करने को तैयार हैं, परंतु आपको भी साथ देने की तैयारी करनी है। तैयार हो? अब आप इलेक्शन का टाइम आ गया तो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको कहेंगे कि सीबीआई नाम की चीज है, वो सीबीआई नाम की चीज आप लोगों के काम के लिए नहीं है। कोई मेरे को कहता है कि हमारे यहाँ मर्डर हो गया, सीबीआई को दे देना। मैंने गरीब को कहा कि तुम्हारा नहीं है ये काम, यहाँ सीबीआई तुम्हारे लिए नहीं है, सीबीआई हमारे लिए है। ये तो अघोषित इमरजेंसी हो गई है। एक समय था इंदिरा गांधी के टाइम में हम सबको जेल में बंद कर दिया था, अब अघोषित इमरजेंसी हो गई है। कभी गुलाब जी के साथ कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली परंतु कर नहीं सके। अब अनीता के साथ कर रहे हैं वहां, इसका भी हम लोगों सबको मालूम है। उसके पहले राजेंद्र जी के साथ भी किया, हम उस भी जानते हैं, और हम लोगों के पीछे भी पड़े हैं। सब पूरी फाइलें खंगालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सीबीआई के अफसर धौलपुर भी गए, झालावाड़ भी गए, सब कुछ देख के आए। कलेक्टर को भी बोल दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े बड़े नेता हो और उसके लिए कोई केस मिल जाता है तो छोड़ना मत। परंतु ये हम ही हम नहीं है, हमारा तो एक बहुत बड़ा परिवार है। और हमारा ये परिवार जो बैठा है, हो हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे झंडे डंडे बैनर वगैरह ये तो मेरे परिवार के लोग ये बैठे हुए हैं। और मैं ये जानती हूँ जब ये चले जाएंगे इलाके के अंदर तो सब पूरा काम हो जाएगा और राजस्थान, नए राजस्थान को बनाने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। इसी में आपको कह रही हूँ, तैयारी कर लो, हिम्मत रखो, और हम लोग सब मिलकर आगे चलेंगे तो ये राजस्थान बदलेगा। और जो एक जमाने में इतिहास के पन्नों में बिल्कुल वहां रहता था राजस्थान, ऊंचा रहता था, इज्जत और स्वाभिमान के साथ उसका नाम लिया जाता था, हम फिर से समृद्ध खुशहाल राजस्थान बना के एक दफा और वहां पहुंचाएंगे, ऐसे ऊपर और ऊंचा पहुंचाएंगे, फिर से लोग आएंगे राजस्थान को देखने के लिए, छूने के लिए, और राजस्थान के में काम करने के लिए। ऐसा राजस्थान बनाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। और अगर आप लोग पूरी तरह से सहमत हो, अगर सहमत हो तो सब अपने हाथ ऊपर करके हमें बता दीजिए, हम सहमत हैं, हम तैयार हैं। एक राजस्थान के लिए जोरदार नारा दीजिए, जय जय राजस्थान। अरे माता बहने चलो, आपका भी है इसमें, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। एक बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी।